साथियों, केरला के वेतुअल विलेज के अंदर हूँ। यहाँ पे एक ये रबड़ का प्लांट है, इसके ऊपर ये काली मिर्च जो है एज ए क्रैपर इसके साथ है। ये काली मिर्च है और ये एक तरह से ये क्रैपर है, इसके सहारे से इसको चढ़ती है। जब इसको हम लेके खाते हैं तो मुंह जलता है। काली मिर्च के जो इसको जब ये पक जाता है, फल सूख जाता है, तो डिहाइड्रेशन इसमें हो जाता है। लगभग 40% जो नमी होती है जब इसकी होती है तो सूख के काली हो जाती है। दूसरा एक पौधा है, इसको रबड़ प्लांट बोलते हैं यहाँ पे। और ये रबड़ प्लांट सब जगह होता है वैसे तो। ये ऊपर तक देखने में ऐसा नहीं लगता जो हम दिल्ली में रबड़ प्लांट देखते हैं। इसमें क्या करते हैं ये लोग, ये जो तना है, तने के ऊपर नजदीक आ गए, ये एक बाउल होता है, रबड़ का बाउल होता है ये, इसी के साथ इसको इकट्ठा करते रहते हैं। यहाँ से इस तरह से कट होता है कि ये ड्रॉप 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 यहाँ से रबड़ टपकता रहता है। एक और प्लांट यहाँ पे देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ये एक प्लांट है, इसको कोका प्लांट बोलते हैं। कोका प्लांट बोलते हैं इसको। यहाँ पे इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया एक वो लगे हुए हैं, जो फ्रूट्स लगे हुए हैं ये कोका प्लांट के, ये फ्रूट देख रहे हैं आप। और ये सूख जाते हैं, सूख के इसका प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद ये इसको खाने के रूप में प्रयोग में लाते हैं। ये इट इज़ द एरिया रिच विद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट प्लांट। और विशेष रूप से मैंने तीन जो आपसे चर्चा की, ये काली मिर्च का, रबड़ का प्लांट और कोका प्लांट, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। केरला आए तो घूम के देखें जरा इन प्लांट्स को, ज़रूर आप देखें। आपको अच्छा लगा हो तो इस जानकारी को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।